श्री राहुल शावले जी, शिवाले सॉरी सर, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पूरी दुनिया में एंटी ड्रग डे सेलिब्रेट किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से इस दिवस की स्थापना साल 1987 में हुई थी। हालांकि इतने प्रयासों के बावजूद देश में अभी भी लोग नशे की लत के शिकार हो रहे हैं, ये निंदनीय है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट बताती है कि 2009 की तुलना में 2022 में भारत में ड्रग्स लेने वालों की संख्या 40% बढ़ गई है। वही नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट एम्स की 2019 की आई रिपोर्ट बताती है कि भारत में 16 करोड़ भारतीय शराब का सेवन करते हैं और 3.1 करोड़ भारतीय गांजे का सेवन करते हैं और 2.3 करोड़ भारतीय ओपिडाइड अफीम का सेवन करते हैं और 77 लाख भारतीय इनहेलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और 8.5 लाख भारतीय इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स लेते हैं। महोदय, ड्रग्स की लत इतनी बुरी होती है कि ये कहीं भी मिल जाते तो भी जान का खतरा हो जाता है और न मिले तो भी इसका असर हो जाता है। एनसीआरबी के मुताबिक भारत में हर दिन 21 लोगों की जान ड्रग्स से जाती है। इनमें 7,860 लोग ऐसे थे जिन्होंने ड्रग की वजह से सुसाइड कर लिया है। अध्यक्ष महोदय, देश में बहुत सी जगहों पर खांसी की दवाओं का इस्तेमाल नशे के लिए किया जा रहा है। मेडिकल स्टोर संचालक युवा पीढ़ी को बर्बाद कर मुनाफा कमाने में लगे हैं। नारकोटिक्स और ड्रग विभाग कार्रवाई के नाम पर एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। बाजार में करीब 41 तरह के कफ सिरप, ज्यादातर कोडिन फॉस्फेट का सॉल्ट है जो प्रतिबंधित है। बिना डॉक्टर के परामर्श यह दवा नहीं मिल सकती है, लेकिन देश में कुछ जगहों पर इन नियमों का दरकिनार यह धंधा चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुंबई में प्रतिबंधित नशीली दवा कोडिन ड्रग से युक्त कफ सिरप का व्यापार बड़े जोर से चल रहा है और इसका इस्तेमाल रेव पार्टी में ज्यादा किया जा रहा है। कोडिन फॉस्फेट युक्त 100 ml के कफ सिरप का अधिकतम कीमत 165 रुपीज है, लेकिन कई मेडिकल स्टोर संचालक 450 रुपीज तक ये कफ सिरप बेचते हैं। जानकार के मुताबिक इसमें शराब से ज्यादा नशा होता है और खासकर युवा वर्ग ये सिरप लेता है। तो आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार को आग्रह करता हूँ कि कोडाइन फॉस्फेट के विशेष खाद्य श्रेणी में रखा जाए और कोडाइन फॉस्फेट के कारोबार मादक पदार्थों को रोकथाम करने वाले कानून के तहत लाया जा सके। अध्यक्ष महोदय, हमारे मेरे मुंबई क्षेत्र में सबसे ज्यादा ड्रग्स का असर है। ड्रग्स को आप देखा जाएगा तो दो कैटेगरी में देखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रुप लीडर हूँ, मेरी पार्टी से कोई किसी ने भी बोला नहीं, मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ पार्टी की तरफ से। तो मुंबई को आप देखेंगे तो दो हिस्सों में देखा जाएगा। तो जो उच्च जो रिच पीपल है वो हीरोइन और कोकेन का सेवन करते हैं और जो लोअर इनकम ग्रुप है वो आप देखे जाएंगे तो एक कफ सिरप हो, कोई कोई लोग है स्लम में आप देखा जाएगा तो जो ब्रेड है ब्रेड के ऊपर आर्डेक्स लगा के वहां पे सेवन करते हैं उसके उसको भी उस, उसके उस समाप्त कीजिए आपके साथ दो, दो, दो मिनट में दो मिनट ऑलरेडी स्पोक नहीं 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 वो हमारे पार्टी में नहीं है, मैं ग्रुप लीडर हूँ। जैसे दो मिनट में कंक्लूड कर रहा है, दो मिनट कंक्लूड। तो जो मैंने कहा कि दो मुंबई में आप देखेंगे तो जो हाई इनकम ग्रुप है रिच पीपल है वो अलग सेवन करते हैं और गरीब है वो अलग ये करते हैं। तो जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी कोई भी मुंबई में एक्शन लेती है तो सेलिब्रिटी अगर रहेगा तो ही एक्शन लेती है और बाकी एक्शन नहीं लेती है। और जो स्टेट गवर्नमेंट ने एक्शन लेना चाहिए था स्लम में वो भी न होने की वजह से मुंबई में ज्यादा से ज्यादा इसका असर हो रहा है। मेरे पूर्व वक्ता में एक गंभीर विषय के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारों ने सुशांत जो हमारे प्रसिद्ध अभिनेता थे उनके मौत के बारे में एक विषय निकाला था और सभी ने उसके बारे में एक गहरी चिंता व्यक्त की थी। तो उस वक्त सुशांत के केस में 3 लेवल पे इंक्वायरी हुई थी। मुंबई पुलिस ने इंक्वायरी की थी, बिहार पुलिस ने इंक्वायरी की थी और बाद में सीबीआई ने भी इंक्वायरी की थी। लेकिन बहुत सारे प्रश्न है जो आज भी देश के लोगों के मन में उपस्थित है और उसके जवाब अभी तक नहीं मिले। उसके प्रश्न मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सुशांत सिंह राजपूत के केस की सीबीआई जांच का क्या स्टेटस है? क्या मौत के कारण के संबंध में सीबीआई किसी निष्कर्ष पर पहुंची है? क्या यह सच है कि सुशांत सिंह राजपूत के शरीर पर हाथापाई और स्टंट गन के निशान थे? क्या सुशांत सिंह और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियन के बीच फोन पर हुई बातचीत की जांच की गई है? कौन थे वो लोग जो सुशांत सिंह राजपूत के घर के आसपास आए थे 10 जून 2020? एक लास्ट में कंक्लूड कर 2020 और उसका लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण छीन लिया। कंक्लूड करो, कंक्लूड लास्ट सेंटेंस। एक मिनट रविंद्र, एक मिनट।
कंक्लूड करो। क्या रिया चक्रवर्ती के मोबाइल संचार के जांच की गई और क्या यह सच है कि यह महाराष्ट्र के एक प्रमुख राजनेता के संपर्क में थी और उसकी दोस्ती थी? इसमें एयू का नाम आया। रिया चक्रवर्ती को सुशांत के पहले 44 कॉल्स एयू के आए। एयू का यानी कि लीगल में अनन्या उद्धव बोलते हैं, लेकिन बिहार पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया था आदित्य उद्धव करके, तो आदित्य उद्धव ठाकरे उसका नाम आया था, तो इसकी भी इन्वेस्टिगेशन। बस ना आप कंक्लूड करो लास्ट सेंटेंस से। यस अध्यक्ष महोदय, एयू का विषय बहुत ही गंभीर है। एयू जैसा अनन्या उद्धव नहीं है, एयू आदित्य उद्धव ठाकरे ऐसा बिहार पुलिस ने कहा है। तो मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अलग है, बिहार पुलिस का अलग है, सीबीआई का है। तो लोगों के मन में प्रश्न है, तो इसकी जानकारी लोगों को मिलना चाहिए। तो मैं आदरणीय मंत्री महोदय के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या दिशा सालियन और सुशांत सिंह के बीच मोबाइल संचार की जांच होनी चाहिए और दिशा सालियन की मौत की परिस्थिति और कारणों की जांच होनी चाहिए। सर, थैंक यू सर फॉर अलाउइंग मी टू स्पीक इन दिस, कॉलिंग अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग अब्यूज इन द कंट्री एंड स्टेप्स टेकन बाय द